हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। मैंने वो सारी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। हम इनकी हेल्प से अपने जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हैं, हम इन क्वेश्चन को देखेंगे और फॉर्मूले को देख पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इन क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें सुटेबल आइडेंटिटीज, सही सही आइडेंटिटीज यूज़ करनी है और जो दिए गए क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना, उनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमें एक ब्रैकेट में एक्स प्लस फोर, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 है और उन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो कोई साइन नहीं है तो हम उनको क्या मानते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट पता करना है, मैंने यहाँ पे इनको लिख लिया। अब देखो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में भी एक्स है, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स है, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 4 है और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में प्लस 10 है, मीन्स यहाँ वाले नंबर्स चेंज हैं और शुरू के नंबर सेम है। इट मीन्स अगर मैं इस 4 को, ये एज इट इज़ एक्स रहेगा, प्लस 4 को मैं ए ले लेती हूँ, दूसरे ब्रैकेट में एक्स है प्लस है और 10 को मैं बी मान लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आता है एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी। अब आ जाइए आप इस तरफ और आइडेंटिटी को पहचानिए, x प्लस ए एंड x प्लस बी कहाँ लिखा है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी 4 है ना, यहाँ पे लिखा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, सेम वही चीज़ है, वही यहाँ पे हमारे पास आया है। ओके, अब हम इसका मतलब इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, हमने आइडेंटिटी लिख ली है, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी 4th यूज़ हो रही है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा क्लेरिफाई हो जाए कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी ली है। अब हमने जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम यहाँ कॉपी इसको हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 एक्स प्लस 10। अब x तो x ही रहेगा, a हमारे पास 4 हो जाएगा और b हमारे पास 10 हो जाएगा। आप चाहें तो कंफ्यूज ना हो तो आप साइड में लिख सकते हैं कि आप किसको क्या मान रहे हो। आप x को x ही ले रहे हो और a की जगह आप ले रहे हो 4 और b की जगह आप लिख रहे हो 10। तो इट मीन जहाँ x होगा वहाँ आप x रखेंगे और जहाँ a होगा वहाँ 4, जहाँ b होगा वहाँ 10। ये बड़ा इजी वे होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। और आइडेंटिटीज़ का याद करने का एक ही तरीका है कि आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिटीज़ याद रहेंगी। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या है, एक्स ही है, एक्स इसमें पावर 2 इसमें भी 2 प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट रखिए, ए कितना है 4 प्लस बी कितना है 10 एक्स तो एक्स ही है प्लस ए कितना है 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, बी कितना है 10 लिख दिया। एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14, एक्स प्लस 4 टेन ज़ा 40। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आ जाइए आप सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है इसका x प्लस 8 और x माइनस 10। यहाँ पर देखो x तो x ही रहेगा और सेकेंड ब्रैकेट में भी x x है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में भी x, सेकेंड ब्रैकेट में भी x और ये दोनों हो गए सेम। प्लस 8 को मैं a मान लेती हूँ माइनस b और 10 को मैं b मान लेती हूँ। ओके, अब इनको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, x प्लस a और x माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन नहीं है, यहाँ पे भी फोर्थ वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे क्या x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो मैं इसको भी प्लस लिख लेती हूँ, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम इनको यहाँ पुट कर लेंगे, एक्स प्लस एट और एक्स माइनस टेन, है ना। अब देखो x को तो हमने x ही माना है, a को हमने क्या लिया है 8 और b को हमने क्या माना है माइनस टेन। इट मीन्स जहां भी b आएगा वहां आप माइनस टेन लिखेंगे, ओके प्लस टेन नहीं लिखेंगे, माइनस टेन लिखेंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है बस 8 प्लस बी, प्लस बी की जगह हम की वैल्यू कितनी है माइनस टेन, तो हम यहाँ पे माइनस टेन लिख देंगे, बस यही तो करना है माइनस टेन। एक्स एक्स प्लस ए है 8 मल्टीप्लाई बी कितना है माइनस टेन, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो 8 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टू आएगा, और माइनस टू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, उस माइनस टू को प्लस से करेंगे तो माइनस टू एक्स रहेगा, ओके। अब 8 को 10 से करोगे तो 8 प्लस 8 को माइनस 10 से करोगे तो माइनस 80। आइडेंटिटी में आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, आइडेंटिटीज जैसी हैं वैसी ही उसमें आएंगी, आप उसके साइन अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। पर हाँ, जो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है और उनमें अगर साइन चेंज होता है, मतलब आइडेंटिटी से नहीं मिल रहे हैं, जैसे यहाँ बी पॉजिटिव है, यहाँ यहाँ पे माइनस टेन है, तो क्वेश्चन के में जो माइनस टेन है आप बी की जगह वहाँ माइनस टेन यूज में लाएंगे, ओके आप वहाँ पे प्लस टेन ही लिख सकते, वहाँ माइनस टेन ही लिखेंगे। तो इस तरह से थोड़े से चेंजेस होते हैं जो कि आप प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे। पहले थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब इसमें हम कैसे कौन सी आइडेंटिटीज यूज करें, देखो इस वाले ब्रैकेट में भी 3x है और सेकंड ब्रैकेट में भी 3x है, इट मीन्स शुरू के दो तो बिल्कुल सेम है, हम इसकी जगह x लिख सकते हैं, इसकी जगह भी x लिख सकते हैं। इसके बाद वाला 4 है और सेकंड ब्रैकेट में क्या है माइनस 5, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस a और इसको हम मानेंगे b तो माइनस b। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, देखो आप ध्यान करो x प्लस a और यहाँ पे आया x माइनस b। अब साइन के वजह से आप बोलेंगे कि इनमें तो मैम कोई भी मैच नहीं, कोई भी आइडेंटिटी यूज़ में नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है वो है फोर्थ वाली आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फोर्थ। कैसे, यहाँ पर है x प्लस ए एक्स प्लस बी, हम इसको प्लस में लिख देते हैं और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब x की जगह हम रखेंगे 3x, मतलब x की वैल्यू होगी 3x, a हो गया 4, अब b हो गया माइनस 5। यहाँ देखो 3x हो गया x, 4 को मान लिया हमने a, 3x को माना हमने x और b को माना हमने माइनस 5। इट मीन्स जहाँ भी b आएगा वहाँ आप माइनस 5 रखेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिए गए हैं उनको लिखते हैं, थ्री एक्स माइनस फाइव, जहाँ x होगा आप क्या रखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस a है, a की वैल्यू कितनी है 4, और b कितना है माइनस 5 तो माइनस 5, x कितना है 3x तो 3x यहाँ लिख देंगे, प्लस a कितना है 4 मल्टीप्लाई b कितना है माइनस 5, ओके 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ देखो 4 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1 आएगा, और उस माइनस 1 की आप 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 3x। ये 4 5 जार 20 प्लस 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 20। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ओके इस तरह से हमने आइडेंटिटी 4 का यूज़ करना सीखा। अब आ जाइए
फोर्थ पार्ट पे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ओके, अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, 3/2 इसमें भी, 3/2 इसमें भी, तो दोनों ब्रैकेट में जो दिए गए हैं वो तो सेम है, बस सिर्फ साइन का अंतर है ना। अब देखो वाई स्क्वायर को आप एक्स मान लो, तो इधर भी वाई स्क्वायर, इसको भी एक्स मानो, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, आप इसको क्या ले लेंगे वाई, इसको भी वाई ले लो, इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन। अब इन दोनों को आप रख लीजिए ब्रैकेट में। अब देखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कहाँ यूज आए, आइडेंटिटी देखिए ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई यहाँ पर है कहीं, इस तरफ तो नहीं है, लेकिन देखो इसके इक्वल लिखा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इट मीन्स एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इनको यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ओके एक मिनट, एक्स है, एक्स को हम क्या लेके चलेंगे वाई स्क्वायर, ओके तो एक्स को हम लेके चलेंगे वाई स्क्वायर, और वाई को हम क्या लेके चलेंगे 3/2। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है वाई का स्क्वायर, फॉर्मूले में स्क्वायर है वो वाला स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये वाला स्क्वायर तो क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाला स्क्वायर जो है फॉर्मूले का है, माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है वाई स्क्वायर, वाई किसके इक्वल है 3/2, यहाँ पे 3/2 लिख दो, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लिख दो, इक्वल्स टू वाई, 2 2 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। फिनिश, फोर्थ पार्ट भी हमने फिनिश कर लिया। फिफ्थ पार्ट है 3-2x 3+2x। ओके, यहाँ देखिए शुरू में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट जो है नंबर्स वो सेम है, तो हम इसको x ले लेंगे, इसको भी x ले लेंगे। अब सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड टर्म को 2x है, यहाँ पे भी 2x है, अब दोनों सेम है, चलो यहाँ पे भी हम y ले लेते हैं, इसको भी y ले लेते हैं, बस सिर्फ क्या है अंतर, साइन चेंज है। ओके, ये देखो अब इनको ब्रैकेट में रख लिया। अब देखो हमें वो वाली आइडेंटिटी देखनी है जिसमें x प्लस वाई या x माइनस वाई हो, तो देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई यहाँ है और x माइनस वाई यहाँ, तो ये किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो x किसके इक्वल है 3 के, तो x इक्वल्स टू 3, y किसके इक्वल है 2x के, y इक्वल्स टू 2x। ओके, कॉपी कर लिया। अब x, x कितना है 3, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगी, फॉर्मूले में क्या स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, y, y कितना है 2x लिख दिया, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर।